चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पर उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कौन? मैं फराज हूँ, आप कौन? मैं क्यों बताऊँ कि मैं कौन हूँ? अरे आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं किससे बात कर रहा हूँ? और आपको क्यों पता करना है कि मैं कौन हूँ? अरे भाई मुझे पता होना चाहिए ना मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बात बिल्कुल नहीं कर रही। तो फिर किससे कर रही है? अरे तुम बताते हो या मैं अंदर जाऊँ? मैंने तो बता दिया ना कि मैं फराज हूँ। कौन फराज? अरे मैं फराज। ओ गॉड, किससे मिलना है तुम्हें? मुझे नबील भाई की बीवी से मिलना है। बोलो क्या काम है? बोल तो रहा हूँ, नबील भाई की बीवी से मिलना है। अरे तो बोलो ना। बोल तो रहा हूँ, मैं नबील भाई की बीवी हूँ। अरे कैसी बीवी है? अपने शोहर को भाई कह रही है? तुम पागल हो क्या? नहीं, टेलर। टेलर जी, नबील भाई ने उससे 4 शर्टें सिलवाई थी, उनके पैसे लेने आया हूँ। तो नबील से जाकर लो ना। क्या शर्टें? पैसे। उनसे तो पिछले 2 महीने से मांग रहा हूँ, कल रास्ते में पकड़ लिया था तो उन्होंने कहा मेरी बीवी से ले लेना। क्या जी? 3,000 रुपए। नबील आना जरा इधर। क्या हुआ जानू? ये कौन है? कौन है बेटू? अरे फराज तुम? हैरान तो ऐसे रहो नबील भाई जैसे आपको पता ही नहीं था। आप ही ने तो कहा था मेरी बीवी से पैसे ले जाना। आ घटिया आदमी, तू आज ही लेने आ गया है? नबील तुम्हें शर्म नहीं आती? आ जानू आती है तो मैं कमरे में चला जाऊं। शट अप। ओ भाई आप दोनों अपना नाटक बंद करें वरना सारे मोहल्ले में बेइज्जत करके रख दूंगा। निकालो मेरे पैसे। ओ घटिया आदमी, तू धमकी दे रहा है और वो भी मेरी बीवी को? अरे तू जैसे के मुंह नहीं लगेगी अभी, तेरे पैसे मारेगी मुंह पे तेरे। व्हाट? मैं इससे ज्यादा तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता जानू। 3,000 इसके मुंह पे मारो। आइंदा तुम इस आदमी को कपड़े सीकर नहीं दोगे? मेरी बीवी मुझे रेडीमेड दिलवाएगी है ना जानू। शट अप नबील, ला रही हूँ तुम्हारे पैसे। जल्दी लेके आइएगा, मुझे और भी काम है। अबे तुझे क्या काम है? तूने कपड़े सीने हैं और तूने बटन कैसे लगाए हैं? तीसरा बटन लगाता हूँ चौथा लग जाता है, पांचवा लगाता हूँ तो नीचे वाला लग जाता है। क्या दिया तूने? नहीं अच्छी शर्टें सीखे दी आपको? अबे चल अच्छी शर्टें दी है बेगम, 2,000 लेके आओ बस। मामा, मामा, नबील। ओ यार महमूद साहब क्या हो गया आप? वो इतना ऊंची बोल रहे हैं यार आप। ओ यार तुम्हारी माँ कहाँ है? ओ यार मुझे क्या पता, ये तो आपको पता होना चाहिए। अरे तुम्हारी माँ है या मेरी? ओ यार मेरी माँ आपकी बीवी है, अब वो आपकी जिम्मेदारी है। हाथ धो गई है यार नबील। अरे सुबह मैंने इससे कहा था कि मेरा कुर्ता इस्त्री कर देना, मगर ये औरत मेरी सुनती कहाँ है? ओ यार महमूद साहब आप भी तो बहुत ही हड हराम हो गए, एक कुर्ता इस्त्री नहीं हो रहा आपसे। बीवियाँ सिर्फ इसलिए नहीं होती कि शौहर के काम करें, शौहर की भी कुछ जिम्मेदारी होती हैं। हाँ जाएं, जाके खुद इस्त्री करें। सुनिएगा प्लीज। क्या है? मेरी वहां टी शर्ट पड़ी हुई है, उसे भी इस्त्री कर दीजिएगा। थोड़ा ऊंची है लेकिन ठीक करके इस्त्री कर दीजिएगा। क्या? और जाएं ना यार, हाथ पांव चलाया करें, वरना आदमी इस उम्र में बिस्तर से लग जाता है अगर वो कोई काम ना करे तो। आ ले तो आज इस मोमो की बच्ची को, इसको तो देख लूंगा मैं। कमाल है यार, इस उम्र में इतना गुस्सा करते हैं, तौबा तौबा। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। अबे तुझे जानते हैं इसलिए तुझे मारने आए। भाई कई दिन से तेरा पीछा कर रहे साले, कि कब तू गार्ड के बगैर घर से बाहर निकले, अब मरने के लिए तैयार हो जा। अब पता जो कुछ करना है करो, साइड में रास्ता तो छोड़ो ना। अरे अम्मा हट तू दिल्ली से। ओए तूने मेरे सारे आलू गरा दिए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अम्मा तुझे पता नहीं है कि आज तूने किस आदमी की जान बचाई है? ना मैंने किसकी जान बचा ली है? अंडरवर्ल्ड के डॉन की। अवश्य ना, मेरे सारे आलू तो गिर गए ना। दफा कर आलूओं को अम्मा, मैं तुझे सोने में तोल दूंगा। ये ले जा, ऐश कर। और एक बात का ख्याल रखना, तुझे मेरे दुश्मनों ने देख लिया है, अब तेरी जान को बहुत खतरा है। लेकिन तू फिक्र मत कर, आज से तेरी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, मैं भी तेरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ फिक्र ही न कर। हाँ दानिश ख्वाजा कहाँ है तू? नबील
क्या हुआ जानू? माँ जी को टमाटर लेने भेजा था बाजार से, अभी तक नहीं आई। आ जाएंगी, हो सकता भूल गई हो। टमाटर? और नहीं भाई, घर का रास्ता। यार सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, पता नहीं कब आएंगी माँ जी। अरे यार लेने दो, आज इसे बहुत सर पे चढ़ा लिया मैंने, आज खबर लूंगा इसकी मैं। खुश होशे आ गई तुम, कहाँ चली गई थी? डाकू डाकू। ये डाकू नहीं है। अरे तो फिर कौन है? मामू मामू। नहीं ये मेरे गार्ड है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम, निकालो इन्हें बाहर। हमारी मैडम से तमीज से बात कर। अरे चुप करो, ये मेरी बीवी है, मैं जैसे मर्जी बात करूं। अरे तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। उठा मामा, चलाओ अंदर चले। ओ यार महबूब साहब, आपको जरूरत क्या थी यार माँ जी से पंगा लेने की? उड़ने वाला सांप बना दिया उन्होंने आपको। आप भूल गए थे ना कि वो माँ जी हैं, माँ जी। अरे माँ जी तुम्हारी होंगी, मेरी तो बीवी है ना। आए इस आलमों ने बड़ा मारा है नबी। यार नबील, ये माँ जी के साथ अचानक गार्ड्स कैसे आ गए? ओ जानू, पता नहीं अली इमरान ने क्या सिचुएशन लिख दी है यार। माँ जी के परम तो चेक करो। मोमो। ए, तमीज से बात कर मैडम से। अच्छा भाई, मैडम मोमो, ये सब क्या है भाई? माँ जी वाकई ये सब क्या है? आप तो टमाटर लेने गई थी, ये संघाड़े कहाँ से लेके आ गई है? ओए, उन टमाटरों ने मेरी वो बदल दी है बच्चू। वो क्या माँ जी? वो जो इस आदमी से शादी करके मेरी फूट गई थी। किस्मत? हाँ जी किस्मत। ओ माँ जी, टमाटरों में से कौन से सोने के अंडे निकल आए हैं यार? चुपा। ओए तुझे पता नहीं कि इस बैग में क्या है पुत्र? क्या है माँ जी? ये देख, सोने के बिस्किट। ओ माँ जी, सोने के बिस्किट? अरे मोमो, तुम सोने के लिए इतने ज्यादा बिस्किट ले आई हो? ओ मोमो साहब, सचमुच के सोने के बिस्किट हैं ये। क्या? यार नबील, ये कैसे हो सकता है? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा जानू। यार कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे नबील? ओ यार मैं मुसब, कैसी बातें कर रहे हैं, हम तीनों एक ही ख्वाब कैसे देख सकते हैं? अरे हो सकता है कि हम में से कोई एक ये ख्वाब देख रहा हो। कौन एक? मैं। जरा मुझे चुटकी काटो। अरे चुटकी से आप कहाँ उठेंगे, आपको तो छुरी से काट, बल्कि तलवार से काटना पड़ेगा आपको। तुम जिससे मुझे काटोगे वो तलवार होगी। हाँ जी। तुम तीनों हड़ हराम इधर बैठे हुए क्या कर रहे हो? माँ जी हम लोग ये सोच रहे थे कि दोपहर के खाने में आपके लिए क्या बनाएं। क्यों जानू? जी नहीं, मैं ये नहीं सोच रही थी। घटिया औरत, तुम ये नहीं सोच रही थी? गार्ड भाई, इसको गोली मारे फौरन। शट अप नबील। देखो माँ जी, आपके बेटे को शट अप बोल के यूं यूं कर रही है। ना तो तू तो है ही इसी काबिल बगैरत। अरे मोमो, ये दोनों बड़े लालची हैं। अरे जब से इन्हें पता चला है कि तुम्हारे पास सोने के बिस्किट हैं, ये तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं। और तू तो चुप कर ना। मोमो। ओए मैडम का नाम लेता है। अरे भाई तो क्या बाजी बोलूं इसे। मैडम बोल। मैडम मैडम, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ओए जल्दी से मेरे लिए खाना बना, मुझे बड़ी वो लगी है। वो क्या मैडम? खबरदार बीच में बोला। चलो नबील, माँ जी के लिए ना खाना बनाते हैं। ओए तू कहाँ जा रही है? आपके लिए खाना बनाने जा रही हूँ माँ जी। ओए मेरे लिए खाना ये दो बनाएंगे। क्या क्या? थैंक यू माँ जी। और तू यहाँ बैठ के मेरे पाँव दबाएगी। चले महबूब साहब, जल्दी से माँ जी के लिए खाना बनाते हैं। वो जो हमने मिलके बनाना है वो खाना है। हाँ जी। चलो 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 आ भाई। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा।
मैडम मैंने ना आपके लिए चिकन बिरयानी स्पेशल बनाई है। और माँ जी मैंने आपके लिए चिकन कोफ्ते बनाए। देख क्या रही है, शुरू हो जाइए। ओ ऐसे कैसे शुरू हो जाए, और तुम्हारा क्या भरोसा, तुमने जहर मिलाया हो इसमें। ओ भाई हम खाने में जहर क्यों मिलाएंगे, सोने के लिए। अरे सोने के लिए जहर नहीं, नींद की गोलियां दी जाती हैं। अबे हम सोने के बिस्किट की बात कर रहे हैं। मैडम मोमो ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, क्या मैं अपनी मोमो को जहर दे सकता हूँ। तू तो खुद जहर है। चलो चख के बताओ जहर है कि नहीं। ओके मैडम। मनुसो मैंने सिर्फ जहर चेक करने के लिए कहा था। और सॉरी मैडम, फटाफट कर दे, खाना बिल्कुल क्लियर और मारे मजे का भी खाए। विषय विषय भाई दरमियान में थोड़ा पानी भी पी ले। दरमियान तो आने दे, पानी भी पी लेंगे। तो थोड़ा पी ले यार, तय लगाओ जरा, तय लगाओ। मोमो मैडम मैडम मोमो चुप है, एक बोटी नहीं छोड़ूंगी तेरे लिए, सुन ले। अरे कुछ भी नहीं छोड़े आप, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आखिर ये सब माजरा क्या है। हाँ माँ जी, कहाँ से आए हैं गार्ड्स आपके पास? ये तो मैं भूल गई। ओ मैं बताता हूँ जी, ओ मैडम ने हमारे बॉस की जान बचाई थी, और हमारे बॉस ने खुश होकर सोने के बिस्किटों से भरा बैग दे दिया मैडम को, और हमें इनकी सिक्योरिटी पे मामूर कर दिया। हाँ हाँ याद आ गया। ओ यार ऐसा कौन सा बॉस है अभी तुम्हारा जिसने बैग ही भरा हुआ दे दिया सोने के बिस्किट का? वो अंडरवर्ल्ड का डॉन है हमारा बॉस, मोटा जमील। मोटा जमील? हाँ मोटा जमील। चलो जी अब मैं थोड़ी देर ना वो करूंगी। वो क्या? वही जो दोपहर को खाने के बाद करते हैं ना। बेलूला चुप है, खबरदार जो मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया। खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं लगा। अपनी जगह से नहीं लगा तो दरवाजा तेरे बाप ने खोलना जाके। मैं खोलूंगा मैडम। मैं भी खोल के आता हूँ। ये बॉस ने मैडम के लिए भेजवाए हैं। वुश वुश तुम लोग भी क्या याद करोगे, चल पुत्र इन गरीबों में बांट दे। मैं जा रही हूँ कलूला करने, और गरीबों देखो कटिया ना हो जाना सामान को देख के। हट बुढ़े हट, पर हट दफो। ठीक है ठीक, ये लो और तुम तीनों का है। चल भाई देखते हैं इसमें है क्या। आजा अरे लो भाई, हम दोनों क्या तालियां बजाएंगे। नबील मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। जानू मेरी समझ में कुछ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है? जानू यही कि मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और मुझे उनकी खिदमत करनी है। अरे चाहे जितनी मर्जी खिदमत कर लो तुम अपनी माँ की, वो मेरी बीवी है, उसके पास जो कुछ भी है उसमें मेरा हिस्सा है। और बासी कर दे मामू साहब, माँ जी तो आपको मुंह ही नहीं लगा रही, हालांकि आपका इतना बड़ा मुंह है। अरे उसे तो मैं मना ही लूंगा, बस ये जो हर वक्त उसके सर पे गार्ड सवार रहते है ना, अरे मुझे अकेले में उसे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। हाँ महमूद साहब, जब माँ जी रात को कमरे में आएंगी ना तो उन्हें राजी कर लीजिएगा, और उनको समझाइएगा कि उस सोने पे हम सबका हक है। अरे हटो पीछे, हक काहे का है? एक बात मैं तुम दोनों को साफ साफ बता दूं, वो सोना सिर्फ मेरा और मोमो का है। खबरदार जो उस सोने पे तुम दोनों ने अपनी बुरी नजर रखी तो। पीर महमूद साहब ने तो अपनी आंखें माथे पे रख ली हैं। उनके माथे पे बाल कम है ना, आंखें तो रखेंगे। ये लालच होती बुरी चीज है जनी, लोग बड़े बेहिस हो जाते हैं। हमारा वक्त भी आएगा एक दिन। वो जो एक दिन आएगा वो हमारा वक्त होगा। मोमो मोमो मैं आ गया। मोमो सुबह से तुमसे दो घड़ी बात करने को तरस गया था। पूछो। हाँ मोमो तुम्हें पता है ना, अगर मैं ज्यादा देर तुमसे बात ना करूं तो अजीब सी फीलिंग होने लगती है। मोमो
कितने दिन हो गए हमने कोई रोमांटिक बातें नहीं की ना। मोमो मेरी प्यारी मोमो। अरे आप लोग यहाँ कमरे में? और साले हमारी मैडम को छेड़ता है लफंगे। अरे मैं तुम्हारी मैडम का शौहर हूँ यार। मोमो तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अभी बोलती हूँ बच्चू, इसको बाय लॉन्च में ले जाके फेंको। अरे मोमो मोमो विशे क्या दोनों गार्ड चले गए? अरे कहाँ चले गए? पता नहीं मगर घर पे नहीं है। अरे वो अंदर कमरे में होंगे ना। ओ महमूद साहब मैंने पूरा घर छान मारा है, वो कहीं भी नहीं है। क्या वो तो चले गए माँ जी? क्यों? बड़ा रोब जमा रही थी ना तुम गार्ड्स के होते हुए, अब बच के कहाँ जाओगी बच्चू? खबरदार जो मुझे हाथ लगाया हो। माँ जी हमने आपको हाथ ही लगाना, इस बैग को हाथ लगाने। वो देखे चिपकली चिपकली। वेरी गुड नबील, वेरी गुड। आओ हम अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। और किस बात का हिस्सा? नबील ये सारा सोना मेरा है। ओए कमीने चुप है। ओ माँ जी अब आपके बंदूकों वाले गार्ड नहीं है, अब आपकी धौंस नहीं चलेगी। जानू जानू आ जाओ, हम इन गरीबों से कहीं दूर चलते हैं। खबरदार अपनी जगह से कोई नहीं लेगा। हमें इतना मिली है कि इस घर में कोई स्मगलर घुसा है 10 करोड़ के सोने के साथ। माँ जी मजाक खत्म, अब आप ही अपना बैग वापस ले। जी जी इंस्पेक्टर साहब यही है वो स्मगलर, और इसके इस बैग में वो सोना है। अरे चल दबाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इस लालची इंसान को। चल थाने। अरे मैंने तुम्हारी माँ पर कोई कातलाना हमला नहीं किया। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तू ऊंची आवाज में मेरी माँ के सामने बात करने के काबिल नहीं है। आपको महमूद साहब नहीं याद आ रहे? मेरा शौहर तो मुझे 20 साल से याद आ रहा है। माँ जी मैं आपके पहले शौहर की नहीं आपके दूसरे शौहर की बात कर रही हूँ। वही मेरा दूसरा शौहर भी है। महमूद साहब को गए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया है नबील, पता नहीं किस हालत में होंगे वो। महमूद साहब बहुत ही एक ढीठ आदमी है, इतनी जल्दी उन्हें कुछ नहीं होगा। भाई मंसूर अब आ गए। ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। जान ये बुड्ढी कौन है? ये बुड्ढी मेरी बीवी है, अब मैंने इसकी गुर्बत पे तरस खाकर इससे शादी कर ली थी। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई गाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए।